अगली खबर आ रही है रीवा जिले से, जहां राज्य स्तरीय साले क्रीडा प्रतियोगिता के तहत देव तालाब व नईगढ़ी में 4 दिवसीय कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। प्रतियोगिता 20 नवंबर से आरंभ होगी तथा जिसका समापन 23 नवंबर को होगा। प्रतियोगिता का उद्घाटन विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम देव तालाब में 20 नवंबर को दोपहर 12 बजे करेंगे। सेमीफाइनल के सभी मैच नईगढ़ी में आयोजित होंगे तथा समापन समारोह देव तालाब में आयोजित होगा। विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम ने देव तालाब व नईगढ़ी में बैठक लेकर कबड्डी प्रतियोगिता की तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि बेहतर से बेहतर व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाएं तथा आने वाले खिलाड़ियों व ऑफिसियल्स को अतिथि देवो भव का भाव देकर पूरा सम्मान व अच्छी व्यवस्था दें ताकि वे यहां से सुखद यादें लेकर जाएं। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि आवास व्यवस्था के लिए अतिरिक्त व्यवस्था भी रहे ताकि आवश्यकता होने पर खिलाड़ियों को वहां रोका जा सके। उन्होंने देव तालाब व नईगढ़ी वासियों से अपेक्षा की कि आने वाले आगंतुकों को ऐसा सम्मान व व्यवस्था मिले जिसको वह चिरकाल तक याद रखें व देव तालाब विधानसभा क्षेत्र का आतिथ्य उनके मानस पटल पर अंकित रहे। उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र में खेल प्रतियोगिता आयोजित होने से लोगों का खेलों के प्रति रुझान बढ़ेगा। शिक्षा विभाग तथा प्रशासन अपने स्तर से खिलाड़ियों के लिए आवश्यक प्रबंध कर रहा है। स्थानीय जनप्रतिनिधि तथा आम जनता देव तालाब एवं नईगढ़ी में खिलाड़ियों का मेहमानों की तरह सत्कार करें। यहां से लौटने के बाद खिलाड़ियों को अपने पन और रीवा से सत्कार को सदैव याद रखने का भाव हो। खेल प्रतियोगिता को संपन्न कराने में हर व्यक्ति अपने स्तर से योगदान दे। बैठक में पूर्व डीईओ मोहन लाल तिवारी ने आवास व्यवस्था सहित अन्य व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी दी। एसडीएम एपी द्विवेदी ने संपूर्ण आयोजन की व्यवस्थाओं की रूपरेखा प्रस्तुत की। जिला शिक्षा अधिकारी जीपी उपाध्याय ने आभार ज्ञापित किया। देव तालाब व नईगढ़ी वासियों ने आश्वस्त किया कि अतिथियों का पूरे अतिथि भाव से स्वागत किया जाएगा और कोई कमी नहीं होगी। इस दौरान सिपूजन शुक्ल, प्राचार्य देव तालाब महाविद्यालय, डॉक्टर एच एन गौतम, सुरेंद्र सिंह चंदेल, अखिलेश सिंह, सुदामा प्रसाद गुप्ता, नरेंद्र मिश्रा, पुष्पेंद्र गौतम, तहसीलदार मार्को सहित स्थानीय जन उपस्थित रहे। उल्लेखनीय है कि प्रतियोगिता में प्रदेश भर से 1000 से अधिक बालक बालिका भाग लेंगे, जिनके रुकने की व्यवस्था देव तालाब व नईगढ़ी में की गई है। इंदौर संभाग के 36 प्रतिभागी एवं 9 शिक्षकों के रुकने की व्यवस्था शासकीय कन्या हाई स्कूल देव तालाब में की गई है। इसी प्रकार इंदौर, सागर, जबलपुर, शहडोल एवं रीवा से आई छात्राओं एवं खेल अधिकारियों के रुकने की व्यवस्था सरस्वती उच्चतर माध्यमिक विद्यालय देव तालाब में की गई है। सागर से आए छात्रों एवं खेल अधिकारियों के लिए सरस्वती ज्ञान मंदिर देव तालाब में, जबलपुर से आए छात्रों एवं खेल अधिकारियों के लिए शिवा मॉडर्न देव तालाब, शहडोल के छात्रों एवं खेल अधिकारियों के लिए अनुसूचित जनजाति बालक छात्रावास देव तालाब तथा रीवा के छात्रों एवं खेल अधिकारियों के लिए रुकने की व्यवस्था बिरसा मुंडा हाई स्कूल देव तालाब में की गई है। जिला शिक्षा अधिकारी ने बताया कि नईगढ़ी में आयोजित होने वाली क्रीडा प्रतियोगिताओं में शामिल होने वाले छात्र छात्राओं के लिए रुकने की व्यवस्था की गई है। उज्जैन तथा नर्मदापुरम संभाग के छात्रों एवं खेल अधिकारियों की रुकने की व्यवस्था शासकीय उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय नईगढ़ी में तथा उज्जैन एवं नर्मदापुरम से आई छात्राओं और खेल अधिकारियों की रुकने की व्यवस्था कस्तूरबा बालिका छात्रावास में की गई है। भोपाल और ग्वालियर संभाग से आए छात्रों और खेल अधिकारियों के रुकने की व्यवस्था एमवीपी विद्यालय नईगढ़ी में तथा भोपाल, ग्वालियर एवं जनजातीय विभाग से आई छात्राओं एवं खेल अधिकारियों के रुकने की व्यवस्था जीवन ज्योति उच्चतर माध्यमिक विद्यालय नईगढ़ी में की गई है। जनजातीय विभाग से आए छात्रों और खेल अधिकारियों के रुकने की व्यवस्था सरस्वती उच्चतर माध्यमिक विद्यालय नईगढ़ी में की गई है। हमारा योगदान क्या है? हमारा योगदान ये हो कि एक मन के भीतर पहले अपने मन को तैयार करिए कि हमारे यहाँ जो टीम के बच्चे आ रहे हैं वो देव तालाब का नाम लेकर के जाएंगे और जहाँ कहीं जाएंगे, पूरे मध्य प्रदेश के कोने कोने से आ रहे हैं, 10 संभाग के बच्चे आ रहे हैं, तो देव तालाब का एक ब्रांड बन के वो चाहे, ब्रांड एम्बेसडर जिसको कहते हैं, वो बन के जाए कि हम देव तालाब में गए थे तो देव तालाब से बेहतर व्यवस्था कहीं नहीं है। हमको ये इसमें सबके योगदान की आवश्यकता है। तो योगदान मतलब अर्थ से मत समझना कि आर्थिक योगदान हमको करना है, अपने को वस्तुओं से करना है और अपने उस संस्कृत को परिलक्षित करना है कि अतिथि देवो भाव, यदि कोई अतिथि आया है तो उसका स्वागत हम कैसे कर सकते हैं वो करना। अभी देव तालाब में हमने तय किया है 3-4 चीज़ें। एक तो हम सबको मिलकर हम अपने हैसियत के हिसाब से हम उनको फल दे सकते हैं, केला दें, सेब दें, मौसमी दें, जो कुछ तरह के फल हो वो हम उनको दे सकते हैं। तीसरा जो सबसे ज़्यादा खिलाड़ियों की आवश्यकता पड़ती है, दूध की और अंडे की, तो वो व्यवस्था करने की आवश्यकता है।
अभी देव तालाब में हम थे तो वहाँ पर कम से कम 100 या 125 लीटर पर डे का उन लोगों ने तय कर लिया है कि प्रतिदिन 100 लीटर का है इकट्ठा करेंगे, गर्म करेंगे, बढ़िया केसर वाला दूध तैयार करेंगे, उन सारे खिलाड़ी बच्चों को हम उसको पीने की व्यवस्था करेंगे और अंडे की व्यवस्था हो गई है वो भी हम उनको बच्चों को देंगे, वो भी यहाँ करने की आवश्यकता है। हम उस व्यवस्था को करेंगे ही, अब इसमें आपका सहयोग चाहते हैं कि आपका मिल जाए तो और अच्छा, ऐसा लगे कि हमने सब ने मिल करके किया है और वो बच्चों को अंडे और दूध की व्यवस्था, फल की व्यवस्था यहाँ होगी जो यहाँ बच्चे रुकेंगे, उसमें आपका योगदान हो जाए तो उससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। पर ये मत समझिए कि हमारा योगदान नहीं हो रहा तो नहीं मिल रहा, उन बच्चों को मिलना होता और ये देव तालाब विधानसभा की ओर से उनको मिलना, ये बताओ उनको बच्चों को हम ख्याल रख रहे हैं, उनको स्नेह दे रहे हैं, उनको बढ़िया प्यार दे रहे हैं, उसके हिसाब से हमको उनकी देखो कि वो माता पिता को छोड़ के आएंगे, अपने गार्जियन को छोड़ के आएंगे, एक अभिभावक बन करके हमको उनकी यहाँ पर देख रेख करनी है कि उनको किसी तरह से खान पान में असुविधा नहीं हो, रुकने की असुविधा नहीं हो, उनकी व्यवस्था में असुविधा नहीं हो, कोई चोट लग गया तो कोई पूछने वाला नहीं हो, ये सब नहीं होना चाहिए। जिससे इसलिए मैंने कहा कि ब्रांड एम्बेसडर बन के जाएँ यहाँ से वो और देव तालाब का नाम रोशन करें। इसलिए शाम को जैसे यहाँ जब बच्चे आएंगे 400-450 की तादाद में रात को आएंगे, साथ उस दिन अलग अलग जगह चले जाएंगे वो रुकने के लिए, तो अब कोशिश ये कर रहे हैं कि जैसे यहाँ यहाँ पर अब ये खेल में आएंगे यहीं पर कोई एक पंडाल लगे जहाँ पर ये हमारे सब सामान रहे जिन सामानों को हम देना चाहते हैं, और जब बच्चे खेलने आवे तो केवल बच्चों को देना, उसमें सरकारी व्यवस्था नहीं लगनी, उसमें ये डीजे लगे, ये सारे लोग लगे जो आप सब लोग हो ये लगाओ, किसको व्यवस्था बनाना, कैसे खड़ा होना, कहाँ हम करेंगे, कौन दूध चलाएगा, कौन दूध तैयार करेगा, कौन अंडा बॉयल करेगा, कौन फल फूल इकट्ठा करेगा, और जब लोग आवे तो अपना लेते आवे, पहले से ले आए हैं तो हम 2 दर्जन केला लेते आए, 1 दर्जन केला लेते आए, सेब लेते आए, ये ले आ करके यहाँ जमा करना, और जमा करना वही जो हमारा वहाँ पर एक स्टॉल लगेगा पंडाल के भीतर, उसी स्टॉल के भीतर बच्चों को अनाउंसमेंट होगा कि आपको दूध पीना है तो जा करके वहाँ पर, आपको खाना है फल लेना है वहाँ जा करके आप लीजिए। तो ये करने की व्यवस्था, इसमें आपके योगदान की आवश्यकता है जिससे सबका भागीदारी हो, सबका पार्टिसिपेशन, इसे हम तैयार हैं क्या, तैयार हैं जी, हम कितना दूध इकट्ठा कर सकते हैं, दूध से ही शुरू करते हैं, रतन का छोड़ के, रतन लाल जी 2 जन का छाड़ के